ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने आ रहे हैं। यहाँ पर हम अनबॉक्सिंग करेंगे लेनोवो की SW01, जो अभी कुछ ही दिन पहले स्मार्ट फिटनेस बैंड है जो लॉन्च हुआ है। ये फिटनेस बैंड मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग भी फ्लिपकार्ट की ओर से ऐसी आई है। आप चाहें तो इसे banggood.com से भी मंगा सकते हैं। अब चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं इसमें, और फिर देखते हैं इसमें इसके बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या हैं और ये कैसे ऑन होती है और फर्स्ट टाइम ये कैसे दिखती है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये इसमें देखिए, इसमें निकलता है बिलेस का इनवॉइस, जिसे हम कहते हैं ये इनवॉइस। ये देखिए इसमें सब डिटेल्स होती है, कितने रुपीज़ की मंगाई। मैंने इसे 1999 की मंगाई है। ऑफर के चलते आप इसे थोड़ा सस्ता ही मंगा सकते हैं। चलिए हम बॉक्स को खोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स, इसका बॉक्स ऐसा है। पैकिंग भी फ्लिपकार्ट वालों ने ज़्यादा अच्छे से नहीं करी है। देखिए यहाँ पर लेनोवो लिखा रहता था, वो लेनोवो यहाँ पे टेप की वजह से हट चुका है। इसकी पैकिंग इतनी खास नहीं आई है, बॉक्स की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज ही है बॉक्स। अब चलिए इसे भी खोल लेते हैं, और खोलने से पहले मैं आपको दिखा दूँ ये यहाँ पे MRP वगैरह लिखी हुई है, और लिखा हुआ है इनबॉक्स एसेसरीज, 1 बैंड आएगा, 1 चार्जर, 1 मैनुअल, 1 वारंटी कार्ड, और कस्टमर केयर वगैरह नंबर लिखा है। यहाँ पीछे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं, जैसे कि प्रोडक्ट नेम है फिटनेस बैंड, मॉडल नंबर SW01, डिस्प्ले है OLED 0.91 इंचेस का, 128x32 का, ब्लूटूथ का सपोर्ट 4.2 है या उससे अबव, वाटरप्रूफ ग्रेड है IP65, और सपोर्ट मिलेगा इसे एंड्रॉयड 4.4 या iOS 8.0 से अबव का। अब चलिए अब हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये इसका बॉक्स, और इसके अंदर ये जो घड़ी है वो ऐसे आती है। देखिए ये घड़ी, और इसे हम अभी बाद में देखेंगे, इसे हम कर देते हैं साइड, और इसके अंदर भाई देख लेना क्या क्या आता है। ये इसका चार्जर वगैरह है, इसका चार्जर है, केवल ये USB केबल है जो कि नॉर्मल केबल है, या आप चाहें तो अपने कोई micro USB जो आपका केबल होगी फ़ोन की उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं इस घड़ी को। चलिए हम और देखते हैं, ये इस प्रोडक्ट की मैनुअल वगैरह है कि इसमें क्या क्या कैसे इसमें कनेक्ट वगैरह होगी, ये सब हम आगे जान लेंगे। ये भी वही है मेन्यू वगैरह, वो वारंटी कार्ड वगैरह ये है। अब चलिए हम इस सबको साइड करते हैं और आते हैं घड़ी पे। ये देखिए ये घड़ी है, इसका स्ट्रैप का मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, सिलिकॉन से बना हुआ है, बहुत अच्छा है मटेरियल। और ये घड़ी है हाथ पे पहनने में बहुत स्मूथ है, अच्छी है। देखिए अब हम इसे फर्स्ट टाइम करते हैं ऑन, तो ऑन के लिए यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो गोल बटन है इसे बस हमें थोड़ी देर टच करके रखना होता है। ये देखिए अब मैं टच करके रखूँगा कुछ सेकंड्स तक, 3 to 4 seconds, सो ये लेनोवो लिखाएगा और वाइब्रेट करते हुए ऑन हो जाएगी। आप जैसे देख रहे हैं अभी इसमें टाइम और डेट वगैरह सेट नहीं है, ये हम जब इसे मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, इसकी जो एप्लीकेशन है लेनोवो स्मार्ट ब्रेसलेट ऐप, उससे जब हम डाउनलोड करके इसे इसके संग कनेक्ट करेंगे तो ये अपने आप जो मोबाइल में टाइम डेट वगैरह होगा वो ले लेगा, ये घड़ी ले लेगी। अब इसमें और फीचर्स देखते हैं, जैसे कि ये कितने आप फुट चले हैं, ये अभी 0 है क्योंकि मैंने अभी इसे ऑन किया है। अब आगे चलते हैं, ये हार्ट रेट सेंसर 0, 3, 2, 1 आता है कि ये अभी स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए जब ये ऑन हो जाता है हार्ट रेट सेंसर, तो ये पीछे ग्रीन कलर की लाइट जलती है, और हमने इसे हाथ में नहीं पहन रखा तो इसलिए यहाँ पे रिस्ट का निशान दिखा रहा है। हम जब इसे रिस्ट पर पहन लेंगे तो ये देखिए जैसे मैंने इसे पहन लिया है, अब मैं अभी पूरी नहीं पहनी है, तब भी मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए अभी मेजर हो रहा है, ये लगभग 5 to 8 सेकंड्स लेता है हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, और ये लगभग अप्रोक्स बताता है बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, 72 BPM यानी कि 72 बीट्स पर मिनट, इसका मतलब ये बिल्कुल लगभग लगभग बिल्कुल सही बताता है। अब चलिए हम अगले फीचर पे आते हैं, ये डिस्टेंस, आप कितनी डिस्टेंस कवर की कर रहे हैं, और ये कैलोरी, कितनी कैलोरी आपने बर्न की है। जब इसे मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स और बढ़े आते हैं, जैसे कि मोबाइल फाइंडर, म्यूज़िक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, ये सब। और जब हम इसे, उसमें और भी जो फीचर्स हैं, इसे जब हम बटन को दबाएंगे, दबाए रखेंगे ना, टच किए रखेंगे तो ये आ जाएंगे, ये रनिंग मोड, ये टाइमर वगैरह, और ये जैसे ही शुरू हो गया था, और ये अभी देखिए मैं और दोबारा से कर रहा हूँ इस पर, ये हम चाहे तो इसे दबाए रखेंगे थोड़ी देर तब भी हो जाएगी ऑफ, या थोड़ी देर छोड़ देंगे तब भी अपने आप वो बटन ऑटोमेटिकली टच हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। अब ये मैंने अभी स्विच ऑफ की थी, अब हम इसे दोबारा ऑन करेंगे, तो ये है लेनोवो का SW01 स्मार्ट बैंड, और जब हमें इसे चार्जिंग करनी होगी तो इसके पीछे जो चार्जिंग पोर्ट दिख रहा है, इसको खोल के हम इसकी इससे चार्जिंग करेंगे। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका यहाँ से हम इसकी चार्जिंग करेंगे यहाँ से, और लगभग 1 hour and 30 minutes में 0 to 100 चार्ज हो जाती है फुल, और अप्रोक्स 5 days का बैकअप दे देगी नॉर्मल यूजेस पर। अब और ये घड़ी बहुत ही अच्छी है। चलिए अब हम इसका बाद में हो सका, अगर बाद में हो सका तो हम इसका रिव्यू भी बताएंगे आपको कि घड़ी कैसी है, कैसे काम करती है, और कितनी एवरेज है माई बैंड 2 के कंपैरिजन में। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, माई बैंड 2 जो है वो, उसे अगर हम पानी में डालते हैं, कंपनी का कहना है कि वो IP67 से वाटरप्रूफ है, पर हम उससे ज़्यादा पानी में डालेंगे तो उसका डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाता है कुछ देर के लिए, पर इस घड़ी को भी अगर हम पानी में डालेंगे तो इसका डिस्प्ले ऑफ नहीं होता है, तब भी काम करती है, इसका मतलब ये IP67 को भी थोड़ा बहुत झेल लेती है। अब चलिए दोस्तों, बाय।